पुरस्कृत करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा। 2014 में मैं बहुत नया था, मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और अब सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय जुड़ गए हैं राष्ट्रपति भवन के पास से। लक्ष्मण जी, पहले तो आपको बधाई, 9 तारीख की डेट आपने दी थी शपथ ग्रहण का और आज वो तय हो गया, प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से इसको कंफर्म किया, तो बाकी क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अब डिटेल ये है कि इनको एक लिस्ट देनी है कि हम कौन कौन से अपने मंत्रिपरिषद में मंत्री को रखेंगे, कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, राज्य मंत्री कौन होंगे, स्वतंत्र प्रभार कौन होंगे, उस लिस्ट के बाद जो है एक औपचारिक समय तौर पे एक समय दिया जाएगा, जो काफ़ी हद तक संभावना है कि 9 तारीख की शाम में 6 बजे से लेकर 7 बजे के आसपास का समय यहाँ मिलने की संभावना है। और राष्ट्रपति भवन में जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होता है वहाँ पर कुर्सियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, कारपेट बिछना शुरू हो गया है, कहाँ चेयर लगेगा, कहाँ गेस्ट बैठेंगे, कहाँ वीआईपी गेस्ट होंगे, कहाँ वीवीआईपी गेस्ट होंगे, ये सब अब लगभग तय हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं कि किस घटक दल को कितनी मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, किस घटक दल को क्या मंत्रालय मिलते हैं, भाजपा में भी कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन कल सुबह से सारे जो नए सांसद चुन करके आए हैं अपने अपने फ़ोन के पास ज़रूर रहने वाले हैं, क्योंकि फ़ोन आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से या फिर प्रधानमंत्री आवास से कि आप आ जाइए, प्रधानमंत्री आपको चाय पे बुलाए हैं। और फिर जिन लोगों को शपथ लेना होता है आमतौर पर उन सबको चाय पे बुलाया जाता है, फिर एक औपचारिक जानकारी दी जाती है कैबिनेट सचिवालय की तरफ से और फिर वो लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह के लिए शपथ ग्रहण के लिए आते हैं। अब सवाल उठता है किसको क्या मिलेगा, ये तो अभी अटकलों का बाज़ार गर्म है, लेकिन औपचारिक तौर पे जो घटक दलों का कहना है कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बगैर किसी शर्त का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे मेरी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बार्गेनिंग चल रही है, अपनी मांगें रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा भी अपने एक सीमा में रह के उस पर बातचीत कर रही है। लगातार कल से बैठकों का दौर जारी है और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, 4 मंत्रालय हैं, वहाँ पे शायद घटक दलों को जगह मिल पाए इसकी संभावना काफ़ी कम है। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि लोकसभा स्पीकर का पद भी शायद भाजपा ना दे, लेकिन ये सब अभी चर्चा के स्तर पर ही है। आज शाम तक या फिर कल सुबह तक लगभग ये फाइनल हो जाएगा किस घटक दल को कितनी सीट दी जा रही है और कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन हर घटक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी पाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और पढ़ते हैं खबरों में आगे, इससे पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए के नेताओं ने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। एनडीए की बैठक में 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। फिर अमित शाह और नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अजीत पवार, अनुप्रिया पटेल और पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबका आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली स्पिरिट है, जो भारत की आत्मा है। हिंदुस्तान की राजनीति में एनडीए जितना सफल कोई नहीं है।
मोदी ने कहा कि ये एनडीए की महाविजय है और ये सरकार सर्वमत की सरकार होगी। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, एनडीए का महाविजय है। एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नतीजे आए तो ईवीएम को लेकर विपक्ष का मुंह बंद हो गया। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर नारा शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करने के बाद मोदी के पैर छूने की कोशिश की, हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के काम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बहुत तेजी से विकास होगा। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और उनके काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हुई है और ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years or 30 years, 40 years. In ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi.
एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और उनके पैर छुए। पीएम मोदी ने भी चिराग को गले लगाकर उनके प्रति अपना स्नेह जताया।